सिद्धार्थनगर का रुख करेंगे। जिले में ऑपरेशन कवच के तहत बॉर्डर सुरक्षा को लेकर गोष्ठी का आयोजन हुआ। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ककरहवा में आयोजन हुआ, जिसमें एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार, डीआईजी बस्ती आर के भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। जिले के एसपी और एसएसपी के कमांडेंट शामिल हुए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भारत नेपाल सीमावर्ती के ग्राम प्रधान, स्थानीय लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बॉर्डर सुरक्षा और तस्करी की रोकथाम कैसे और भी बेहतर तरीके से की जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कवच पूरे यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में कुल 437 गांव में पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं और बैठक की गई है। ऑपरेशन कवच पूरे उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पे माननीय मुख्यमंत्री के जी के निर्देश पे लागू की गई है, जिसके तहत मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में हम अपने नागरिकों को कैसे सीमा सुरक्षा से जोड़े, इसमें सीमा क्षेत्र की विकास और सुरक्षा विषयक योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका क्रियान्वयन हो रहा है। आज उस योजना का एक मुख्य बिंदु है ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन, जो सीमा में हम 10 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गांव पड़ते हैं। सिद्धार्थनगर में 437 गांव हैं, इन सभी गांवों में पुलिस अधीक्षक ने सीमा सुरक्षा समितियों का गठन किया है और उन सभी सीमा सुरक्षा समिति के सदस्य जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक की गई है।